राम राम जी, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, क्लास 10वीं क्लास 12वीं, अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने वाले हैं 2020, पोस्टपोन्ड हुए एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। लॉकडाउन का मिले 100% फायदा जो आपको दिलाए अच्छे अंक, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आप सभी के लिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, एजुकेशन नॉलेज ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आप सभी को मैं बता देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2020 तक पूरे देश भर में कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन किया हुआ है, जिसके चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रभावित हुई है। और आप सभी को बता देता है, इसकी जो परीक्षाएं हैं वो जल्द ही करवाने की संभावना है। जैसे ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसकी अनाउंसमेंट करेगा, आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपके एग्जाम इस दिन से होने वाले हैं, नए एडमिट कार्ड आपके जारी किए जाएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और नई डेट शीट आपकी जारी की जाएगी। उसके बाद जो पोस्टपोन्ड हुए हैं एग्जाम 19 तारीख से, बाद की जो एग्जाम थे ओनली उन्हीं की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेने वाला है। उससे पहले जो परीक्षा हो चुकी है उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उस पे आप जैसे एग्जाम दे के आए थे उसी हिसाब से आपके एग्जाम चेक होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद लॉकडाउन में हम किस प्रकार पढ़ेंगे कि हमें अच्छे अंक मिले, इसके लिए ये वीडियो है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे आया हुआ हूँ। इस साइट पे आ जाना है आपको एक तो, और देख सकते हैं आप, जो कि www.bseh.org.in है। और जो भी आपके एग्जाम रहे हुए हैं, ठीक है, आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप बोर्ड की तरफ से 3 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं। अगर आपने ये नहीं किए हैं, अगर आपने ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं उनमें से 100% ऐसे पर्सन हैं, जो कि 4 या 5% ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है भाई। 4 या 5% ऐसे हैं जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से आए हैं। अभी फिलहाल भी